प्रकार का मोटिवेशन है विशेष रूप से गर्ल्स के लिए, ठीक है, जिनके मन में ये कभी कभी विचार आता है कि छोड़ देना चाहिए, सेकंड ग्रेड में जाना चाहिए, लीड में जाना चाहिए, ठीक है ना। उन अंतर द्वंद्व से उबर कर सफलता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, उन तमाम तथ्यों पर भी बात करेंगे। तो मैं स्वाध्याय की तरफ से कैसर मैडम का स्वाध्याय संस्थान में सहज से स्वागत करता हूँ और आप सब मैडम का ताली बजा कर एक बार स्वागत करता हूँ। हम दोनों आपस में डिस्कस करके पढ़ते थे और
मेरा सिलेक्शन होने का 80% क्रेडिट है वो मेरे फ्रेंड को जाता है, अगर वो नहीं आते तो शायद मैं नहीं पढ़ता। और दुर्भाग्यवश उस फ्रेंड का सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका बहुत रिग्रेट रहेगा मुझे, मेरा हो गया और उनका नहीं हुआ, वो कोई और नहीं गुरजीत है। हम दोनों साथ रहते थे, साथ पढ़ते थे, हमेशा साथ आना साथ जाना हमेशा लगा रहता था। मैं लास्ट में इतनी बीमार हो गई थी कि उठ के पढ़ने की हिम्मत नहीं थी, मैं सो ही रहती और पढ़ के सुनाती रहती मुझे कि तू सो ले, लेकिन मैं तुझे पढ़ के सुनाती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा तेरा रिविजन होता रहेगा। और रही बात शेड्यूल की, तो आप पूरा शेड्यूल करने की कोशिश कभी मत करना, नहीं होगा। मैंने रात को 3 बजे तक बैठ के भी देख लिया, सुबह 4 बजे उठ के भी देख लिया, नहीं हुआ। एक कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो मैंने क्या किया, जो अपनी आर्य थी उस आर्य को पढ़ना शुरू किया। आर्य को कंप्लीट करना जरूरी है, बाकी दूसरे वाले नहीं हो तो छोड़ दो। मैंने के वो क्या थी, एक बड़ी वाली किताब थी ना, श्रीवास्तव वाली, कैसे श्रीवास्तव, उसको मैंने खरीदा ही, मेरे पास अभी तक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है सारी किताबें खरीदना। सर बोले तो पहले आप उसको आर्य को कंप्लीट करो, उसके बाद ही दूसरी किताब खरीदना, क्योंकि मेरे पास वो अभी तक नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ऐसे सोचते कि आपका भी हो जाएगा। और इसके साथ आपको एक और करना है, जैसे फर्स्ट पेपर को अच्छा करना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर है वो काफ़ी अच्छा था। सेकंड पेपर में मेरे इतने नंबर नहीं आए थे, लेकिन फाइनल एग्जाम में मेरे 53 क्वेश्चन आए थे सही वे, उसमें फर्स्ट पेपर तो मेरे सिलेक्शन का राज भी है। सेकंड की रीट की जो तैयारी की थी उसका फ़ायदा मुझे उसमें मिला, ठीक है। हिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं यही थी जब मेरी एमए चल रही थी, तो मैं यहीं पे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही थी। और आप लोगों ने तो शायद 1 वीक पढ़ी होगी, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ी। मैं यहाँ से रवाना होती बगू वाले कुएं पे जो दुकान है किताबों की, वहाँ से 1 वीक खरीदी, ट्रेन में बैठी बीकानेर तक, जितनी पढ़ी गई पढ़ी फिर फेंक दी, पेपर दे दी, बस ये था। मुझे एक दिन तो मिली नहीं, मैं गई तो मैंने कहा सर वो 1 वीक दे दो आज एग्जाम है, तो बोले है ही खत्म, मुझे पता नहीं था पेपर का नाम क्या है, मैं जाके बैठी। हिस्ट्री में गप्पे मारने आसान होता है, इसीलिए मैंने उसमें एमए की थी, मुझे क्या पता हिस्ट्री मेरी लाइफ बना दी। तो सब एक जैसे होते हैं, कोई हिस्ट्री में इतना नहीं है कि एमए में कोई पढ़ के आया, मुझे नहीं लगता कोई पढ़ के आया, सभी यहीं आके सीखते हैं। तो आप डरना मत कि ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ नहीं, हिस्ट्री सबको आती है और आप भी सीख लोगे, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। हकीकत है ये, मैं जब क्लास में आई थी मुझे ये नहीं पता था कि ये जो अपना था ना मध्यकाल में, ये थे ना ऋतु तमिशो, ये किस काल के हैं क्या है, ये कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद मैंने पहले इसको आर्य को पढ़ा, उसके बाद वो दूसरी एक और लगा रखी थी ना अल्पी शर्मा, उसको पढ़ा, तब जाके पता चला कि हाँ रजिया बहुत, हमेशा हम बोलते थे रजिया पहली सुल्तान है, रजिया पहली सुल्तान है, पता नहीं रजिया कब बनी थी क्या है, नहीं पता। तो आप इस चीज़ों को मत लेना कि हमें नहीं आ रहा, हम फ्रेशर हैं। और मैंने 9-10 महीने में अगर फर्स्ट ग्रेड निकाल दिया तो आप भी निकाल सकते, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, सिर्फ 9-10 महीने। और आप परिस्थिति की बात करते हो तो मैं आपको बताऊँ, मैं वो छोटी थी तब मेरे पापा एक्सपायर हुए, उसके बाद मम्मी ने हमें लोगों के खेत में काम कर करके पाला। उसके बाद मेरे भैया, बड़े भैया थे वो जब कमाने वाले हुए तो उनका भी गाड़ी एक्सीडेंट में डेथ हो गया, उनके भी छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनसे घटिया परिस्थितियाँ और क्या होगी। तो आप परिस्थितियों का रोना तो रोना ही, क्योंकि परिस्थितियाँ आती हैं तो भगवान किसी न किसी को भेज ही देता है अपनी हेल्प करने के लिए। रही बात बीमारी की, तो ये मेरी फ्रेंड बैठे इनसे पूछो, अपना नेट का एग्जाम था शायद 3 दिसंबर को ऐसा कुछ, उस दिन मैं बीमार हुई थी। जिस दिन एग्जाम देने गई थी, लिटरली मैं सही बता रही हूँ, मेरे पेट से रस्सी निकल रही थी, मैं एग्जाम दे रही। और एग्जाम से जैसे ही घर जाते मुझे एडमिट कर लिया गया, 3-4 दिन बाद मेरी सर्जरी कर दी गई। इस हालातों में मैं एग्जाम दे सकती हूँ तो आप क्यों, ऐसी तो कोई आपकी कंडीशन नहीं है। कोई भी किसी भी हालात में बस अपने आप को रखना है मजबूत, कि नहीं हमें डटे रहना है, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता हम कहीं नहीं जाएंगे। और जैसे शादी समारोह है उसमें आपको नहीं जाना है, जैसे सर बताते हैं, सर की बातें मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई थी, मैं नहीं गई, और मुझे मेरी शादी में नहीं आई, मैं उससे भी नाराज़ नहीं हुई, बिल्कुल नाराज़ नहीं हुई, मुझे पता था कि सर बोलते हैं शादी में नहीं जाना, जब तक सिलेक्शन नहीं होता ये नहीं आई। तो अब मैं इसे मिलने भी आ गई, देखो। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि भाई हाँ ठीक है दोस्त नाराज़ हो जाएगा, कोई नाराज़ नहीं। सर पे मैंने एक कविता लिखी है, सर आपको सब कुछ बताते होंगे, वैसे तो सर के सामने मेरा कुछ बताना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैंने दिखाई, पढ़ के सुनाते हैं। मिले थे तब फर्स्ट
फर्स्ट ग्रेड का बैच ज्वाइन था किया, डांटते थे नंबर कम आने पर, तो मैंने कक्षा जाना ही बंद कर दिया। कक्षा गई जब कुछ दिन बाद तो बोले आप खड़े हो ना, ये कोई जियो का नेटवर्क है, जब मन किया जब आए, जब मन किया था भूल लिए। मैं कुछ ना बोल पाई पर कक्षा में हमेशा जाने का निश्चय कर लिया। इतिहास तो समझ में आया ही, अंग्रेजी और गणित भी पढ़ लिया जिनसे मुझे हमेशा डर लगता था। कुछ नहीं आता था मुझे इंग्लिश में, तो अभी तक कुछ नहीं आता। तो और एक बात बताऊं आपको, मैंने कभी ना क्लास में ना इंग्लिश पढ़ी नहीं थी और मैंने उधर तुक्के मारे बच्चे चार से योग पास और मैंने हिंदी में जोर लगा के पढ़ी थी, फिर भी मेरे हिंदी में चार गलत हो गए, एक ही बचा था। जब भी सर ने प्रश्न पूछा उत्तर बताने का प्रयास जरूर किया। धन्यवाद सर, आपको मुझ जैसी नालायक को आपने सुधार दिया। आप इसी से ग्रीन पेन 100+ उसको हम आसानी से छू लेंगे जिस जिद्दोजहद और शिद्दत के साथ आप मेहनत कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप उस लक्ष्य के बहुत करीब हैं। अगर आरपीएससी आज एग्जाम करवाती है तो हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग 90+ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और इस आंकड़े को अगर आप 150+ ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने साथियों का हाथ पकड़े जो डगमगा रहे हैं, ठीक है ना, उनका हाथ पकड़े हैं और उनको कहें चल मेरे साथ, तेरा भाई तेरा सिलेक्शन करवाएगा, दोनों भाई के साथ में पोस्टिंग होगी और दोनों भाई साथ में सूरतगढ़ पिता के पार्टी करेंगे, ठीक है ना। और गर्ल्स को हमेशा इस चीज से बचना चाहिए, गर्ल्स किसी का साथ लेके नहीं चलती, सबसे बड़ी समस्या। कोई अगर किसी के पास नोट्स है ना तो नोट छुपा के रखेगा, दबा के, आदत होती नहीं होती। एकाध अपवाद हो सकता है लेकिन ज्यादातर मैं अनुभव देख रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी गर्ल्स स्टूडेंट है जो छुपा के अपने नोट्स रखती है और उनके साथ आने वालों को जब पता लगता है तो वो चुपके से निकाल के ले जाते हैं, फिर आते हैं सर कैमरा चेक करो। मैंने देखा ये शिकायत लड़कियों में ज्यादा होती है, इसलिए अपने जो साथ में रह रहे हैं उन पे पूरा यकीन करेंगे तेरा भी सिलेक्शन होगा मेरा भी होगा, तब बात बनेगी। आपको महाभारत का कृष्ण और अर्जुन दोनों ही बनना है, तभी जाकर सफलता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।